न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों आप देख रहे हैं पानी की क्या व्यवस्था है। नए बाजार में काफ़ी दिनों से पानी फैल रहा है और ये पानी बेहद फैल रहा है यहाँ पर और पानी आगे नहीं आ रहा है, आगे नहीं जा रहा। सफाई कर्मचारियों को परेशानी होती है और इधर की तरफ इधर हरिजन बस्ती की तरफ पानी बिल्कुल भी एक टपका भी पानी नहीं पहुँच रहा है। ये लीकेज पाइपलाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं, पाइपलाइन यहाँ पर लीकेज है और ये पूरे नए बाजार में पानी की देख रहे हैं आप पानी किस तरह से फैल रहा है। नए बाजार में देख रहे हैं दर्शकों किस तरह से ये पानी फैल रहा है। लेकिन जलदाय विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी है कई बार सूचना देने के बाद में भी इसको लीकेज को ठीक नहीं किया जा रहा है और जो बाल्मीक समाज की जो महिला हैं पानी क्या मोहल्ले में पहुँच रहा है तुम्हारे? कुछ भी नहीं पहुँचे, 4-5 महीने हो गए हमारे मोहल्ले में पानी पहुँचते। देख रहे हैं बाल्मीक समाज के यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं पहुँच रहा। ये व्यर्थ पानी यहाँ पर ये व्यर्थ पानी फैल रहा देख रहे हैं आप। और एडीएम साहब को ऑफिस में ज्ञापन देने के बावजूद भी जलदाय विभाग के कर्मचारियों के कानों में जूं ही नहीं रंग रही है और 3 महीने से अधिक पानी को आए हुए हो गए। देख रहे हैं ये ज़बरदस्त यहाँ पर पानी नाले में व्यर्थ पानी जा रहा है। और जो स्थानीय व्यक्ति है उधर के उनसे भी हम पूछना चाहेंगे पानी के कितने दिनों से नहीं आ रहा आपके? 3 महीने से 4 महीने से नहीं आ रहा। और आपके यहाँ 3 महीने से पानी नहीं आ रहा, कारण क्या है? देख रहे हैं ये पाइपलाइन क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी? पानी नहीं आ रहा 3 महीने से, बहुत ही परेशान है। नहावे धोवे से हर चीज से कपड़े लत्ते धोने से सबसे परेशान। पूरी फटी पड़ी है चारों तरफ। देख रहे हैं ये पाइपलाइन पूरी तरह से फटी पड़ी है, और अधिकारियों को फोन लगाया, जलदाय विभाग के अधिकारियों को फोन लगाया जा रहा है लेकिन फोन कोई भी नहीं उठा रहा। नहीं कि ठेकेदार विपिन जो ठेकेदार है वो भी फोन नहीं उठा रहा है और जलदाय विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये व्यर्थ पानी फैल रहा है। दर्शकों कमेंट करें, शेयर करें, क्या जिम्मेदार अधिकारियों को देख रहे हैं ये पानी देख रहे हैं आप? ये पाइपलाइन लीकेज है और व्यर्थ यहाँ पर पानी फैल रहा है। दर्शकों कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह से कहाँ लीकेज है और इसी कारण लोगों के घरों में जो आगे पानी जा रहा है उनके घरों में गंदा पानी जा रहा है इसी की वजह से और बीमार पड़ रहे हैं लोग बाग। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जलदाय विभाग के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए लापरवाही की। अभी एडीएम साहब के ऑफिस में ज्ञापन भी देके आए थे, ज्ञापन देके आए एडीएम साहब को, अभी हम कार्रवाई करवा देंगे। कुछ भी नहीं हो, 3 महीने हो गए अब तो। एडीएम साहब के ऑफिस में ज्ञापन भी दिया था, माता दिए कम से कम 20 दिन हो गए और लोगों को पानी के लिए तरस रहे हैं। इधर के जो कॉलोनी के वाले देख रहे हैं, ये कॉलोनी वाले इधर हरिजन बस्ती वाले और ये यहाँ से लेकर फवारे चौक तक पानी एक टपका भी नहीं पहुँच रहा। आखिरकार ये लापरवाही की हद की जा रही है जलदाय विभाग के अधिकारियों के द्वारा। आप देख रहे हैं ये व्यर्थ पानी फैल रहा है यहाँ पर। दर्शकों कमेंट करें, शेयर करें, क्या ऐसे अधिकारियों को गंगापुर सिटी जिला तो बन गया लेकिन जो अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ठेकेदार के खिलाफ? देखो अधिकारी ने ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए। अधिकारियों को फोन भी लगाया जा रहा है, अधिकारी फोन है ये ब्लैक लिस्ट में डाल रखे आम जनता के फोन शिकायत के लिए डाले। तो दर्शकों कमेंट करें, शेयर करें और सर्दी में ही ये हाल है लापरवाह और कहां पानी की पाइपलाइन लीकेज है वो भी कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो जलदाय विभाग के अधिकारियों के और ठेकेदार के कानों में जू रंगे और इस पानी की समस्या का समाधान हो सके और इसी के कारण लोगों के घरों में जा रहा है गंदा पानी। चल गया।